अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट बैंकिंग। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपना आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको uidai.gov.in ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। मैं ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक गेट आधार कार्ड टैब दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी, वर्चुअल आईडी, ये तीनों का ऑप्शन मिल जाता है आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए। मैं यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधार नंबर का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं आधार नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आई वॉन्ट अ मास्क्ड आधार ये ऑप्शन दिख जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आधार नंबर प्रिंट होके आएगा, उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं ये डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद अगर आपको अपना आधार नंबर मास्क में चाहिए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मास्क में नहीं चाहिए तो मैं ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाते हैं, सेंड ओटीपी और एंटर अ TOTP। मैं यहाँ पर सेंड OTP का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है। उसके बाद आपको क्विक सर्वे में दो क्वेश्चन दिख जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि आप UIDAI की वेबसाइट से अपना आधार कार्ड का लेटर फिर से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये मुझे पता है, तो मैं यस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका फिर से प्रिंट किया हुआ आधार लेटर आपको इंडिया पोस्ट के SMS आने के कितने दिन बाद मिला। तो मैंने यहाँ पर कभी रिप्रिंट का ऑर्डर नहीं किया, तो मैं यहाँ नॉट ऑर्डर्ड ये सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ये आधार कार्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड का एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये पासवर्ड आपके नाम का स्टार्टिंग का 4 लेटर रहेगा कैपिटल में, और उसके बाद आपका बर्थ ऑफ ईयर। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोडेड फाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम अपना आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।